वालेकुम नाजरी। तो आज जीएमसी बारामूला में हमने आज स्कैन एंड शेयर ऐप का हमने इफ्तिताह किया। ये स्कैन एंड शेयर ऐप जो है पेशेंट रजिस्ट्रेशन यानी जो मरीज का इंदराज अस्पताल में होता है उसको आसान बनाने के लिए किया गया है और मरीज को जो वेटिंग टाइम है ओपीडी रजिस्ट्रेशन में वो कम करने के लिए बनाया गया है। ये ऐप बहुत आसान है। हम कैसे इस्तेमाल करें इसको मैं आपको छोटा सा एक डेमो देता हूँ। आजकल हमारे पास हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता है, उस मोबाइल फ़ोन का कैमरा या ABDM ऐप जो हम डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, उस ऐप का इस्तेमाल करके, तो ये जो यहाँ पे QR कोड है ये हम हर जगह डिस्प्ले करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन एरिया में, अपने OPD में, अपने अस्पताल में। तो मरीज अस्पताल जब आए तो ABDM ऐप का इस्तेमाल करके वो इस कोड को स्कैन करेंगे और जब वो स्कैन करेंगे तो वो एक और ऐप में उनका वो उनको लिए ये ऐप दूसरे ऐप में ले जाएगी। वहाँ पे उनका जो पेशेंट रिकॉर्ड है जो ऑलरेडी उन्होंने आभा ऐप के जरिए उनने अपलोड किया हुआ है तो वो अस्पताल के साथ शेयर हो जाएगा। उससे क्या होगा, एक टोकन जनरेट होगा, वो टोकन नंबर अस्पताल के साथ अस्पताल के जो डेटाबेस है उसमें जमा रहेगा। आपको सिर्फ ओपीडी काउंटर में जाना है, अपना नाम बताना है और वो टोकन नंबर रजिस्ट्रेशन काउंटर में बताना है, तो आपके नाम की ओपीडी टिकट वहां इजरा होगी बिना कोई वक्त गवाए और बहुत जल्द। तो इस तरह हमारा मकसद ये है कि मरीज जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला आते हैं उनका वेटिंग टाइम कम हो और ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर में पेशेंट रश कम हो। ये जो है आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन का एक इनिशिएटिव है, इसका मेन मकसद है कि हमारी जो ओपीडी रजिस्ट्रेशंस के लिए हमारे पेशेंट्स बहुत लंबी लंबी क्यूज में वेट करते थे जिसमें टाइम भी लगता था और रिकॉर्ड्स भी हम अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें बिल्कुल कम से कम समय में, मतलब बिल्कुल कम टाइम में वो इसकी QR बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और उस वजह से क्या हो जाएगा, एक क्यूलेस हमारी ओपीडी रजिस्ट्रेशंस हो जाएंगी। टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा जो उनके स्मार्टफोन जो यूज़ करते हैं हमारे लोग उस पर सारा हो जाएगा एंड विल जस्ट उसे क्या हुआ, कम टाइम होगा रजिस्ट्रेशन में और इनका जो रजिस्ट्रेशन होगा ये बिल्कुल एक्यूरेट होगा क्योंकि ये आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होगा। लाइक उनका नाम, जो उनकी आइडेंटिटी है या उनका कहाँ है एड्रेस, वो सारा इस पर एक एक्यूरेट डाटा जनरेट हो जाएगा। उसके अलावा जब ये रजिस्ट्रेशन का टाइम बिल्कुल कम हो जाएगा, क्यूलेस रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो पेशेंट्स के लिए बहुत ही सहूलियत हो जाएगी कि उनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, अपने टाइम के हिसाब से वो अपना टोकन नंबर दे के वो आएंगे। और इसके अलावा जो इनका ये रजिस्ट्रेशन और वो सारा प्रोसेस जब हो जाएगा, ये एक इनका हेल्थ जो एक आइडेंटिटी या हेल्थ रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो सारे डिजिटलाइज हो जाते हैं एंड इससे क्या हो जाता है कि वो ये कल रिकॉर्ड्स शेयर भी हो जाएंगे डिफरेंट लेवल्स पे। सो ये एक डिजिटलाइज सिस्टम है जिसमें पेशेंट्स की सहूलियत के लिए सारा रजिस्ट्रेशन काम हो जाएगा, कम से कम टाइम में हो जाएगा, एक्यूरेट उनके रिकॉर्ड्स बन जाएंगे और ये रिकॉर्ड्स आयुष्मान बार दिस आधार कार्ड लिंक्ड के साथ दिस कैन बी शेयर और उनका हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा। सो एक सिस्टम बनेगा जहाँ पूरा एक सारा इसकी डिटेल्स मेंटेन हो जाए। हमने OPD बेस्ड अभी हमने स्टार्ट किया है एंड दिस इज पहला इंस्टीट्यूशन है नए मेडिकल कॉलेज में या बल्कि बाकी इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। तो इसमें ये है कि ये इनिशिएटिव हमने लिया, वी हैव स्टार्टेड विद दिस, OPD से हम स्टार्ट करेंगे एंड सब्सिक्वेंटली ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट सर्विसेज को भी कवर कर। यहाँ पर जो अभी था, जो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, इसमें अभी ये स्टोर्स वगैरह नहीं थे, बट हमने सबसे पहले आते ही एक अमृत स्टोर भी जो मेडिकल कॉलेज में होना है वो हमारा बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है और वहाँ से हमारे सारे भी जितने मेडिसन्स हैं वो सारे उस तरीके से आते हैं। बट मीनवाइल हम और सब्सिडाइज रेट्स पे आते हैं एंड विद इन अपने इंस्टीट्यूशन में मिलते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से प्रोसीजर जो करना होता है वो सारा अवेलेबल है। मीनवाइल हमने जन अशुद्धि के लिए भी ऑलरेडी प्रोसेस में है एंड यू विल सी इट विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम हमारा यहाँ जन अशुद्धि का स्टोर भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और इसमें फिर वो सारे वो डिटेल्स भर के वो जो बहुत ईजी है। अलबत्त मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आपके भी तरफ से एक होनी चाहिए, इसमें हमारा हेल्प मिलेगा कि तो इनको लोगों को थोड़ा जनरेट करें वो अवेयरनेस के इसको कैसे यूज़ करना है और इट्स अ वेरी सिंपल
प्रोसीजर जो वो आजकल तो अब स्मार्टफोन सबों के पास है और ये ऐप डाउनलोड करना चाहे सपोज कोई बुजुर्ग होगा लेकिन उसका बेटा या बच्चा या कोई भी उसको ये हेल्प कर सकता है ताकि उसको घर बैठ के ही ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और वो आके अपनी सीधे काउंटर पे जाने के बजाय वो अपने डॉक्टर से अपना इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। ये हमने भी 3 सालों से देखा कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तब से लेकर आज तक हमारा 5 times नहीं मैं तो बोलूँगी 8 times रश बढ़ गया होगा। आप खुद देख सकते हैं कि OPD का रश क्या है। सो एक उसका मतलब यह है कि पेशेंट्स को कॉन्फिडेंस भी आ गई हमारे इंस्टीट्यूशन में क्योंकि यहाँ फैकल्टी है, अब यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर साहब अवेलेबल है, सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल है तो रश बढ़ गया। लेकिन यहाँ एक लिमिटेड स्पेस थी, जब तक हमारी वो स्ट्रक्चर्स और तैयार हो जाते हैं। हमारा हमने इस दफ़ा कैपेक्स बजट में डाला ही है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें ताउन कर रहे हैं कि हाँ हमें एक रजिस्ट्रेशन का अलग एक एरिया बनेगा। इंशाल्लाह वो प्रोसेस में है ना, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सकेगा विद इन कुछ महीने या आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का अलग से एक अलग सेपरेट एरिया बाहर मिलेगा। थैंक यू।